हरे कृष्णा। सो टुडे वी हैव विद अस वेंकटेशन सर हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी राउरकेला 219 बैच। व्हाइल हिज एजुकेशनल कैरियर ही वाज रैंकिंग सेकंड इन एनआईटी राउरकेला एंड हमारे प्रभु जी NIT Raurkela से ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद EXL एनालिटिक्स। जिनको नहीं पता है, EXL एनालिटिक्स एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी का काम होता है बाकी कंपनीज के फाइनेंस को मैनेज करना। सो वेंकटेशन सर वाज मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ मोर देन 50 US बैंक्स विद अ टोटल वैलिडेशन ऑफ $1 बिलियन। EXL एनालिटिक्स में काम करने के बाद प्रभु जी स्विच टू अनदर कंपनी। दैट कंपनी नेम वाज भारत पे। आप जानते होंगे भारत पे कंपनी को। ये वही कंपनी है जिसका एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में ट्रांजेक्शंस करने के लिए। एंड आफ्टर वर्किंग फ्यू इयर्स विद भारत पे, प्रभु जी इज करेंटली परस्यूइंग हिज MBA डिग्री फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो अभी प्रभु जी जो है IIM बैंगलोर में MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। एंड टुडे वी हैव विद अस हिम। ही विल बी टीचिंग अस अबाउट द रथ यात्रा। सो लेट अस वेलकम प्रभु जी फॉर द फोर्थ क्लास ऑफ चैरियट्स ऑफ डिवोशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू योगेश ब्रो फॉर आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। ये मेरा परम भाग्य है कि अराउंड 200 छात्र लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स आर हियर। तो वी विल क्विकली स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द रथ यात्रा। एंड बिफोर रथ यात्रा, लाइक हाउ जगन्नाथ इज मोर मर्सीफुल, हाउ मैग्नानिमस, वो कितने कृपालु हैं, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो नीलाचल निवास आय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र है। तो जो भी भगवान होते हैं, जो भी रामचंद्र हुए या फिर कृष्ण हुए, बलराम हुए, तो सभी भगवान का अपना अपना प्रणाम मंत्र होता है। वैसे ही हमारे जगन्नाथ का ये प्रणाम मंत्र है जिसका नाम है नीलाचल निवास आय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इसका मतलब ये होता है कि नीलाचल में निवास करते हैं कौन? जगन्नाथ, हमेशा अपने बलभद्र और सुभद्रा के साथ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो जगन्नाथ पुरी है, तो ये पुरी धाम बाकी धामों से भिन्न है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जहां पर भी भगवान का आराधना या फिर अर्चना होता है, वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम उसको बोला जाता है क्षेत्र। क्षेत्र वो जगह है जहां पर भगवान की मूर्ति को स्थापना किया गया मनुष्यों द्वारा। जैसे कि हमारे कहीं पर भी हम जाएंगे, हम अलग अलग मंदिर देखते हैं, कृष्ण का, दुर्गा का, जैसे इस्कॉन मंदिर हो गए, तो ये हमारे मनुष्य ने स्थापना किया था। तो दूसरे तरह के होते हैं महाक्षेत्र। तो महाक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर देवों ने आके स्थापना किया था। जैसा एक उदाहरण है गुरुवायूर का, तो ये गुरुवायूर मंदिर केरल में पड़ता है। तो ये मंदिर का, ये भगवान कृष्ण का मंदिर है जिसका स्थापना गुरु और बृहस्पति दोनों ने मिलकर स्वयं ये मंदिर का स्थापना किया था। और तीसरा है दिव्य क्षेत्र। तो दिव्य क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर भगवान स्वयं आए थे। तो आई जस्ट वांट टू चेक करना चाहता हूँ, ऑडियो क्लियर है ना? कैन समबडी कंफर्म? यस ब्रो, इट इज ऑडिबल, क्लियर। या परफेक्ट। सो आई जस्ट रिज्यूम। तो तीसरा है दिव्य क्षेत्र। तो दिव्य क्षेत्र वो जगह है जहां पर भगवान स्वयं आए थे, अपने भक्तों के आमंत्रण से या फिर अपने लीला को ये जो प्लेनेट अर्थ पे प्रकाश करने के लिए स्वयं आए थे। इसका एग्जाम्पल है तिरुपति। आप तिरुपति के मंदिर में जाएंगे तो भगवान का जो विग्रह है वहां पर एक भी स्कल्पचर का मार्क्स नहीं दिखा है, वो स्वयं प्रतिबिंब है। और चौथा है वो दिव्य धाम।
दिव्य धाम ऐसा जगह है जहां पर हर जगह पे भगवान का लीला हुआ है, जैसे कि वृंदावन या फिर पुरी। तो पुरी एक ऐसा धाम है जो कि भगवान के निवास स्थल से अभिन्न है। आप लोग शायद सुने होंगे कि जैसे हर कंट्री में ना एक कंट्री का एम्बेसी होता है, तो जैसे इंडिया में अमेरिका का एम्बेसी होता है और अमेरिका में इंडिया का एम्बेसी होता है, और अगर अमेरिका में इंडिया का एम्बेसी है तो वो जो जगह है ना जहाँ पर इंडिया का एम्बेसी है, इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम इंडिया ओनली। तो इंडिया का लॉस उधर लागू होगा, इंडिया के जो भी लीगल जो भी जुरिस्डिक्शन इंडिया का जो है वही रूल्स उधर भी लागू होगा, बल्कि वो यूएस में है। तो वैसे ही जब भगवान का जो भी लीला भगवान अपने धाम में अपने घर में वृंदावन या फिर द्वारका में करते, वो सारे लीला भगवान पुरी के धाम में भी करते हैं। और ये जो पुरी धाम है ये अभिन्न है वैकुंठ से। तो ऐसा कहा गया कि जब प्रलय होता है, प्रलय मतलब जब भी प्रलय अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं, तो एक बार के प्रलय में ऋषि मार्कंडेय उस प्रलय में 7 कल्पों तक तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब वो तपस्या कर रहे थे तो फिर वो पानी में बह कर ये जगह एक जगह पे उनको लेके लाया गया। तो वो जगह यही क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरी में आए, और वहां पर भगवान विष्णु ने स्वयं उनको बताया कि ये क्षेत्र मेरा, इट इज माई एटर्नल अबोड, और ये क्रिएशन और डिसोल्यूशन से अफेक्ट नहीं होता है ये, क्योंकि आप कोई भी जगह देखोगे वो जगह प्रलय के टाइम जरूर पानी में चला जाएगा, बट ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कभी भी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्रिएशन और डिसोल्यूशन, तो ऐसा कहा गया है। तो ये जो पूरी धाम है तो इसका महिमा आप ऑलरेडी 3 क्लासेस में सुन चुके हो, तो उसी को हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है ना ये धाम है, क्योंकि ये अलग पूरी जगह पे भगवान ने अलग अलग लीला किया है। तो ये धाम 5 क्रोशस में एक्सटेंडेड है, तो 2 क्रोशा सी के कोस्ट में है और बाकी ओशन के किनारे में। तो लॉर्ड शिवा वो हैं, स्वयं रहते हैं, और भगवान का जो भी भक्त है और उनके सारे स्थलों को वो प्रोटेक्शन देते हैं, तो शिवा स्वयं वहां रहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि वहां पर यमेश्वर के नाम पे वहां पर शिव जी पधारे हुए हैं, और वहां के जो भी उनका अर्चना या फिर वर्शिप करता है वो 1 करोड़ शिवलिंग को पूजा या आराधना के करने का समान, ऐसा कहा गया है। तो आज ये हमारा ये आज के सेशन का इंट्रोडक्शन है कि हम बताना चाहता हूँ कि कैसे पूरी धाम बाकी क्षेत्र या दिव्य क्षेत्र से भिन्न है या फिर इट्स डिफरेंट। और आगे हम वी विल इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मतलब अभी आप में से कई लोग आप ओडिशा के निवासी हैं, तो आपका परम भाग्य है कि आप पुरी के काफी निकट रहते हैं, तो जब भी मन चाहे आप विद इन ओवरनाइट आप जाके जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का दर्शन ले सकते हैं। बट कुछ लोग होंगे जो कि नहीं गए होंगे या फिर रिसेंटली नहीं गए होंगे, तो जस्ट तो उनके लिए हम लोग एक क्विक है ना क्या बोलते हैं एक वर्चुअल टूर करेंगे भगवान का धाम का, ठीक है। तो अभी हम सब पुरी पहुंचे हुए हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं। हम बाहर ही जब खड़े रहेंगे तो हम जब बाहर जब जाएंगे लाइन में खड़े रहेंगे तो हम भगवान का जो मंदिर है वो 3 स्टोरीज में बना, मतलब देर आर 3 टॉम्स, टॉम को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, 3 टॉम्स आर देयर। और एज यू एंटर आप जैसे अंदर जाएंगे तो देर आर 22 स्टेप्स जिसको बोलते हैं भाई सी पहाचा, भाई सी मतलब 22 और पहाचा मतलब स्टेप्स। तो ऐसा बोला गया एक 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 स्टेप्स का अपना महिमा है, जैसे कि मुझे अभी भी याद है ये जो 3rd स्टेप है ना ये जो भाई सी पहाचा है इसको हम यमस्थली बोलते हैं। तो जब भी श्रद्धालु या फिर भक्तगण जाते हैं तो उस पे पैर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी मैंने पाप किया है उसको मेरा उससे मुक्ति मिल जाए। और ऐसा कहा गया कि ये सारे प्रार्थनाओं को यमराज खुद सुनते हैं, और यमराज चित्रगुप्त को बोलते हैं, चित्रगुप्त वो आदमी है जो कि आपके सारे पाप और पुण्य का अकाउंट रखते हैं, और उनको यमराज स्वयं आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये जो भक्त ने मेरे लिए प्रार्थना की, ये जगन्नाथ के लिए प्रार्थना किया, इसके सारे पापों को और पुण्यों को हटा दो। ऐसे यमराज स्वयं चित्रगुप्त को आदेश देते हैं। तो
ये भाई सी पहाचा जो है, ये एक एक स्टेप्स का एक एक सिग्निफिकेंस है, और जो भी देवी देवता आते हैं तो हर एक स्टेप में एक एक देवी देवताओं के लिए खड़े रहने का स्थल, ऐसा बोला जाता है। तो ये है, हम अभी मंदिर की ओर एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो मंदिर देखेंगे ना, बीचों बीच में मंदिर है, और इसके तीन सर्कुलर लेयर्स में बाकी छोटे छोटे और भी जगह हैं। ठीक है, हम पहले बाहरी चक्कर, बाहर जैसे थ्री, इट्स लाइक यू हैव अ सेंटर एंड देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एंड इन द राइट एट द सेंटर यू हैव दिस द रॉक स्टार जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा इज ब्यूटिफुली सीटेड। और जो बाहरी सर्कल है, तो उस सर्कल और सेकंड फर्स्ट सर्कल के बीच में बहुत सारे जगह है, उनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। हम क्विकली देखते हैं, जैसे ही हम ये बाईसी पहाचा पे जाएंगे, यू विल टेक ए लेफ्ट, वहां पर एक कल्पवट है। तो कल्पवट, यही कल्पवट के नीचे ये जो पास्ट टाइम बताया था ना मैंने, मार्कंडेय ऋषि का पास्ट टाइम, मार्कंडेय ऋषि को यहाँ पर आए थे, और यहीं पर भगवान ने, विष्णु ने उनको दर्शन दिया था। और अभी कल्पवट का दर्शन करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मुक्ति मंडप है। तो ये मुक्ति मंडप ऐसा जगह है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स यूज्ड टू कम टुगेदर, और वहां पर चर्चा करते थे भगवान के लीलाओं का, भगवान के मतलब गुणगान करते थे, और सो प्लान करते थे, दे शुड थिंक कैसे हम भगवान का प्रचार और भी बढ़ा पाए और भगवान का सेवा और भी अच्छा कर पाए। सो दिस मुक्ति मंडप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, इट इज लाइक अवर पार्लियामेंट हाउस, जैसे हमारे एमएलए और एमपी लोग आके हमारे लिए रूल्स वो सब बनाते हैं ना, वैसे ये मुक्ति मंडप जगन्नाथ का गुणगान और महिमा को बढ़ाने के लिए एक स्थल था जहां पर जगह जगह से लोग आके डिस्कशन करते थे। और एक आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो वहां पर एक रोहिणी कुंड है। तो ये रोहिणी कुंड, आप सोचेंगे कि कुंड मतलब बहुत बड़ा पानी का ये रहे, बट अभी ये कलयुग के प्रभाव से ये कुंड काफी छोटा हो गया। तो ये कुंड ऐसा जगह है कि इसका महिमा ऐसा ऐसा बताया गया है कि एक बार ना एक काक, एक क्रो, एक काक इस पे गिर गया था, और जब ये काक उसमें गिर के उसका मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु होने के बाद जो पंडा लोग थे, जो लोग उधर भगवान के दर्शन ले रहे थे, तो उन लोग ने देखा कि ये काक का ना, इसको एक विष्णु का, विष्णु के जैसे ही इनका रूप भी बदल गया है, इनके हाथ में भी शंख है, चक्र है, गदा है, तो ये भी विष्णु लोक के ओर प्रस्थान करने लगे। तो ये रोहिणी कुंड का ऐसा महिमा है। तो अभी भी जो भक्त लोग जाते हैं वहां से भगवान वो पानी लेते हैं अपने पर लेते हैं, और घर के लिए भी काफी लोग ले जाते हैं, ऐसा है रोहिणी कुंड। तो फिर उसके आगे नीलाद्री विहार है, सोना कुआ है। तो सोना कुआ यहाँ ही से, अभी आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे, सोना कुआ अभी भगवान का स्नान यात्रा हुआ था, और अभी भगवान अनावसर में, जो कि भगवान का तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। तो ये सोना कुआ से ही भगवान के लिए पानी लिया जाता है। और भगवान बताना चाहते हैं कि भले ही वो ये मृत्यु जन्म से परे हैं, फिर भी वो बताना चाहते हैं कि भगवान होने के बावजूद वो हमें मृत्यु को याद दिलाते हैं। तो इसीलिए ये एक कोयला वैकुंठ जगह है, जैसे हमारे लिए ग्रेवयार्ड होता है ना, जैसे हमारे मृत्यु के बाद हमें वी आर बरीड, वैसे ही एक कोयला वैकुंठ है जहां पर भगवान स्वयं अपना मृत्यु का लीला करते हैं, ताकि हम जैसे लोगों को याद आए कि ये जो जीवन है, ये इसका भी एक एंड होने वाला है। तो ये याद देने के लिए भगवान स्वयं वो लीला करते हैं, जहां पर उनका वो जो वुडन का मूर्ति को दफनाया जाता है, उसको कोयला वैकुंठ बोलते हैं। और आप आगे बढ़ेंगे, ये भगवान का सबसे प्रसिद्ध जगह है जो कि सारे भक्तजनों को आनंद प्रदान करता है, इसका नाम आनंद बाजार। तो आप देखोगे ना, अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैं ना अभी तिरुपति गया था अपने घर, अपने परिवार के साथ। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी का मंदिर। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये बालाजी का दर्शन लेने के लिए 36 घंटे, 36 आवर्स यू हैव टू स्टैंड इन लाइन, एंड ये 36 आवर्स आफ्टर यू स्टैंड इन लाइन, आपको सिर्फ कुछ पल के लिए, एक दो क्षण के लिए भगवान का मूर्ति का दर्शन मिलता है। और आप 36 आवर यू डू, इतना ऑस्टेरिटी होता है, इतना गर्मी रहता है, लोग भीड़ भाड़ में रहने के बाद आपको कुछ खाना नहीं मिलता है, पानी कुछ 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 जगहों पर ही मिलता है, और ऐसे कई सारे जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको काफी तपस्या करना पड़ता है। कुछ मंदिर में लोग
40 दिन के लिए उपवास रखते हैं। बट ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जगन्नाथ भक्तों के लिए सुख प्रदान करने के लिए और उनके लिए, वो जानते हैं कि ये जो कलयुग के जीव है वो बिल्कुल मतलब मंदभाग्य है और वो बहुत आलसी है, तो वो जानते हैं कि इनको हम सेटिस्फाई करने के लिए एकमात्र चीज है, वो एकमात्र चीज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, वो कि भोजन लेना। अब हम देखते होंगे कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम हर चीज में लेजी हो, जैसे कि पढ़ने हो तो हम वी गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय ए मूवी, हम जैसे पढ़ने बैठते हैं नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं हमें नींद आ जाता है, हम जैसे ही कुछ फोकस करने की कोशिश करते हैं तो नींद आ जाता है। पर एकमात्र चीज है जिसको हम बहुत आनंद लेते हैं, जो कि खाना, तो खाते समय कभी किसी को नींद नहीं आता। तो भगवान को, जगन्नाथ को मालूम था कि ये एकमात्र चीज है जो कलयुग के जीव बहुत अच्छे से करते हैं, तो इसीलिए जगन्नाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आप आनंद बाजार में जाइए, आपके गले तक के लिए, गले भर के खाइए, पेट भर के खाइए और जगन्नाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान का असीम कृपा है। तो यहाँ पर हमेशा ऐसा, आप ये किचन का तो आप ग्लोरी सुने होंगे कि यहाँ पर 36 प्रकार के डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज यहाँ पर सेवा करते हैं, और इन लोगों के बीच में कभी भी कम्युनल क्लैशेस सुनने में नहीं आया। दे हैव देयर ओन सर्विसेज एंड दे आर बिजी एंड हैप्पीली डूइंग द सेम सर्विसेज, है ना। तो इसके पीछे एक कथा है, आनंद बाजार में भगवान का प्रसाद कैसे पॉपुलर हुआ, तो ये कथा को हम थोड़ी देर बाद आगे जाके और चर्चा करें। तो ऐसा कहा गया है कि ये आनंद बाजार में जो बनता है या फिर जो प्रसाद बनता है, इसका माप, इसका जो मेजरमेंट स्वयं लक्ष्मी देवी स्वयं करती है। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर कभी भी देयर हैज बीन नेवर अ शॉर्टेज ऑफ फूडस्टफ्स डिस्पाइट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉकिंग दैट टेम्पल, ऐसा महिमा है। और आप जाएंगे तो आनंद बाजार, आप लोग तो कई बार गए होंगे, इट इज नॉट वेरी लैविश। तो ऐसा नहीं है कि प्लेट लगे हुए हैं, टेबल्स लगे हुआ है, यू नो यू हैव गॉट प्लेस टू वॉश योर हैंड्स, ऐसा नहीं है। इट इज बिट हैफजेड, राइट, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमको लग रहा होगा कि ये तो बहुत अन्ना ही जी नहीं है, यहाँ पर कैसे हम खाना खाएं, यहाँ पर तो बहुत सारे डिसइन्फेक्शन आ सकते हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि इतने सालों से देर हैज नॉट बीन सिंगल अकरेंस वेर कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन वहां से आया हो। ऐसे जगह है हमारे आनंद बाजार। और एक और चीज है कि जगन्नाथ का महिमा ऐसा है कि आप जो भी मंदिर जाओगे ना, भगवान का जो आराधना या फिर जो उनका अर्चना होता है उसका बहुत सारे विधि है। विधि जैसे कि 4:30 बजे, जैसे हमारे घर के करीब ही अनंत पद्मनाभ का मंदिर है जो कि दुनिया में सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर ऐसा बताया गया कि यहाँ पर द गॉड द अनंत पद्मनाभ हैज वेल्थ लाइक ही इज द मोस्ट रिचेस्ट एंड ही हैज गोल्ड वर्थ 1 × 10⁻¹⁰ kg ऑफ गोल्ड, दैट इज द वेल्थ व्हिच पद्मनाभ हैज हियर। सो द पद्मनाभ हैज यू नो एज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिचुअल्स व्हिच इज फॉलोड हियर, जैसे कि उनको 4:30 बजे सुबह उठाया जाता है, उनका अभिषेक ये पानी से होता है, 5 बजे दर्शन बंद होता है। बट जगन्नाथ ऐसे हमारे इतने मर्सीफुल है, उनको पता है कि अगर मैं थोड़े समय के लिए भी अपना दर्शन बंद करूंगा तो लाइन बंद लग जाएगा, तो लोग के लिए दिक्कत होगा। तो इसीलिए जगन्नाथ इतने मर्सीफुल है कि उनके लिए जो भी रिचुअल्स है, वो जो रिचुअल्स होता रहता है और भगवान अपना दर्शन देते ही रहते हैं। वो खाते समय भी अपना अपना, जब भोग लेते हैं तब भी वो अपना दर्शन देते हैं, जब उनका श्रृंगार होता है तब भी हम दर्शन लेते हैं। ऐसा कहा गया कि भगवान का दर्शन सिर्फ मात्र 2 घंटे के लिए ही बंद रहता है। या तो ये भगवान का आगे मेन टेम्पल है, फिर बाहर आएंगे तो नाट्य मंदिर है, भोग मंडप है, और भोग मंडप वहीं पर भगवान का ये होता है। तो ये है भगवान, ये है हमारा पूरी का एक वर्चुअल यात्रा, छोटा सा यात्रा। तो अभी हम बाकी के 10-15 मिनट में भगवान के मर्सी, मर्सी को बोलते हैं कृपा, कृपा के पांच मतलब पांच माध्यम से भगवान अपना कृपा को दूसरे अपने भक्तों के प्रदान करते हैं। तो इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। तो पहला माध्यम भगवान का अपना कृपा को देने का माध्यम है उनका आंख, जो कि भगवान का आंख को आप देखेंगे ना तो उनका आंख
भगवान का आंख एवरी हमारे सबके पास आईलिड्स होता है ना, आईलिड्स जो आंख को बंद होने में या फिर रोकने खुलने में मदद करता है। बट सारे जीव जो भी इस संसार में जिनका भी जो भी पैदा होते हैं उनका अपना आईलिड्स होता है, और इनफैक्ट जो भी भगवान का विग्रह उनका भी आईलिड्स होता है। जैसे रामचंद्र का दर्शन लेंगे तो उनका कमल जैसे उनका नयन है, और कृष्ण का भी एक लंबे खान है जो कि कान तक पहुंचता है। बट हमारे जगन्नाथ एकमात्र भगवान है जिनके आंख के कोई भी आईलिड्स नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं अपना आंख बंद कर लूं तो मैं अपना हो सकता है कि मैं किसी ना किसी एक भक्त को देख ना पाऊं। वो पलक झपकते समय में कोई ना कोई भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहा होगा और उसको मैं दर्शन उसका दर्शन मैं नहीं ले पाऊं, ऐसा सोचते हैं हमारे जगन्नाथ। और उनके आंख को देखोगे तो गोल गोल है, जस्ट लाइक अफर, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है ना, वो जो इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट और वो सराउंडिंग्स को वो ब्लर कर देता है, उसको हम हाईलाइट नहीं करता है। वैसे ही हमारे जगन्नाथ के आंख ऐसे इतने दयालु हैं, जगन्नाथ अपने आंखों के माध्यम से उनके भक्तों में भरे हुए सिर्फ दिव्य गुणों का ही वो देखते हैं। भले ही हमारे हृदय कूड़े जैसा हो फिर भी हमारे हृदय में हुए सिर्फ जो भी दिव्य गुण है उनका ही वो दर्शन लेते हैं। भगवान हमारे जगन्नाथ इतने कृपालु हैं। और दूसरा माध्यम जो कि जिससे वो अपना कृपा प्रदान करते हैं वो है रथ यात्रा, जो कि कुछ ही दिनों में आप में से कुछ लोग जाएंगे। तो जैसे कि ना अभी मेरे मदर शी वाज सिक, तो शी वाज सिक सो फ्यूल मतलब शी इज बैटलिंग ए किडनी डिजीज। सो फिर कोई कुछ महीनों से उनका हेल्थ ठीक नहीं है। तो क्या होता था ना, मेरे मदर को हम लोग हॉस्पिटल ले जाते थे, तो हॉस्पिटल में दवाई दिखाते थे डॉक्टर से, डॉक्टर इज टू प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड ऑल। तो अभी एक हफ्ते पहले हर हेल्थ गॉट सो बैड शी कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हर लेग्स, वो अपने पैरों के दम पर भी खड़ी नहीं हो पाई, तो ना ही वो चल पाती ना ही लेट पाती। तो क्या हुआ, हमें कॉल करके डॉक्टर को स्वयं बुलाना पड़ा। तो डॉक्टर आए और उन्होंने उनका इलाज किया। तो वैसे ही हमारे जगन्नाथ इतने कृपालु हैं, वो जानते हैं कि ये कलयुग जीव इतने आलसी हैं और इतना दुर्भाग्य है कि वो लोग हॉस्पिटल तक आने के लिए उनमें क्षमता नहीं है, इसीलिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं। तो ये रथ यात्रा एक माध्यम है जिससे भगवान बताते हैं कि मैं इतना दयालु हूँ कि मैं स्वयं मैं बाहर आ रहा हूँ अपना दर्शन देने के लिए, जो उन लोगों के लिए जो मेरा दर्शन नहीं ले पाते हैं और जिनके पास समय नहीं है मेरा दर्शन लेने के लिए। तो इसके लिए भगवान स्वयं रथ यात्रा के वो डॉक्टर के माध्यम से वो आते हैं। तो ये है दूसरा माध्यम, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बाई विच ही एक्सटेंड्स हिज मर्सी। और तीसरा है अन्न ब्रह्म के नाम, अन्न ब्रह्मन के नाम, वो है विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रसादम, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। तो ये जो प्रसादम का ना, इसका पीछे एक बहुत सुंदर लीला है। तो एक बार की बात है कि हमारे सरस्वती हमारे लक्ष्मी जी भगवान नारायण का आप सेवा कर रही थी, उनको प्रसाद का सेवा कर रही थी। तो उन्होंने तो उनसे इस तरह लक्ष्मी जी से एक बार नारद मुनि ने पूछा कि मुझे ना एक वर चाहिए, एक हेल्प चाहिए, मुझे वो नारायण का महाप्रसाद का थोड़ा सेवन करना है, ऐसे बोले हमारे लक्ष्मी जी को नारद मुनि। तो जब नारद मुनि का ये डिजायर लक्ष्मी जी को पता चला तो लक्ष्मी देवी काफी परेशान हो गए, क्योंकि नारायण ने लक्ष्मी देवी को ये आदेश दिया था कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप एकमात्र भाग्यवान स्त्री हो जिनको इसका सेवन करने का भाग्य है। तो एक तो जब सेवन कर रही थी तो एक बार जब सेवन कर रही थी नारायण को अपना प्रसाद दे रही थी, तो उन्होंने ना नारायण से एक बार पूछ लिया, एक बार मुझे ये एक्सक्यूज दीजिए, मैं थोड़ा सा प्रसाद आपके प्लेट से ले लेता हूँ और नारद मुनि को दे देता। तो नारायण भी समझ गए, विष्णु भी समझ गए, अच्छा ठीक है एक बार मैं इनको एक्सक्यूज कर ही देता हूँ। तो एक बार एक्सक्यूज कर दिया और लक्ष्मी जी ने वो प्रसाद ले लिया और वो नारद को दे दिया। तो जैसे ही नारद ने ये प्रसाद का ग्रहण किया ही वॉज एक्सटैटिक, वो अपने सारे क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा बोला गया कि प्रसाद का मतलब है प्रभु का साक्षात दर्शन। तो जैसे ही नारद मुनि ने वो दर्शन वो प्रभु का प्रसाद लिया तो वो नाचने लगे कूदने लगे, ही वॉज टोटली एक्सटैटिक। तो इसको देख के
शिव जी देखने लगे, अरे ये नारद मुनि को ऐसा क्या हो गया, इतना आनंद में क्यों है। तो फिर नारद मुनि से आके बोला कि, नारद मुनि से आके शिव जी बोले, आप इतने प्रसन्न क्यों हो, इतने आप संतुष्ट क्यों हो। तो नारद मुनि ने बोला कि मुझे ना आज परम भाग्य है की बात है कि मुझे आज भगवान का महाप्रसाद का सेवन करने का मौका मिला है। तो इससे शिव जी बोले कि मुझे भी इसका मौका दीजिए। तो नारद ने बोला देखो मैंने तो सारा खा लिया, अभी मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। तो शिव जी ने बोला देखो आपके नाखून में एक छोटा सा राइस का टुकड़ा बच गया है, उसको मैं सेवन कर लेता हूँ। तो नारद मुनि ने भी उनको दे दिया। तो शिव जी उसको जैसे ही पान किए तो वो भी पूरा प्रसन्न हो गए, बहुत आनंद में आ गए, नाचने लगे, वो भी पूरा पूरा हर जगह अपने ढमरू बजा के नाचने लगे। तो जिसको देखे उमा जो कि पार्वती उनकी पत्नी आई और उन्होंने पूछा अरे ये क्या हुआ, हमारे पिता मेरे पति को क्या हो गया, वो कुछ पागल वागल तो नहीं हो गए, क्यों इतना नाच रहे। तो उन्होंने आके पूछा, तो शिव जी ने पूरा कहानी बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो पार्वती पूरा गुस्से से लाल हो गई, बोली कि अरे आप मेरे पति हो, मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ, सारे यज्ञों में जो भी आप तपस्या करते उसमें मेरा भी साथ रहता है, हाथ रहता है, तो आपने ये मुझे नारायण का महाप्रसाद मुझे क्यों नहीं दिया। पूरा गुस्से से लाल हो गई वो तपस्या करने लगी। ये तपस्या का तीव्र इतना तेज था, ये तीव्र को लॉर्ड नारायण तक ही उतना उतना तीव्र था कि वो नारायण को भी पता चला कि ये जो पार्वती है ऐसे तपस्या कर रही है। तो नारायण बोले अरे 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 आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, मैं इसका हल करता हूँ, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, आपके लिए मैं थोड़ा प्रसाद दे दूँ। तो पार्वती बोली अरे मेरे लिए प्रसाद देने से क्या होगा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, उनके लिए भी पालन पोषण करना पड़ेगा, उनका भी उद्धार होना है, तो आप उनके लिए भी प्रसाद दीजिए। तो फिर भगवान सोचा अच्छा ठीक है, एक प्लेट के बदले दो प्लेट और दे दूंगा, वो शायद गणेश और कार्तिक के लिए पूछा। तो फिर वो बोली, तो उमा बोली नहीं, जो भी क्रिएशन है, जो भी क्रिएशन है उनका देखभाल उनका रक्षा मैं दुर्गा के माध्यम से मैं ही करती हूँ, तो उन सब के लिए आपको प्रसाद देना प्रदान करना पड़ेगा। तो नारायण भी मान गए और वो बोले कि जब मैं जगन्नाथ के रूप से आऊंगा तो सबसे पहले मेरे लिए भोग लगाया जाएगा और मेरे भोग लगाने के बाद सारा प्रसाद आपको बिमला देवी जो कि पार्वती है आपको दिया जाएगा, फिर वो प्रसाद सभी सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। तो इसीलिए ये जगन्नाथ का प्रसाद का महिमा है कि ये सिर्फ इसका मतलब सिर्फ जगन्नाथ का प्रसाद को सेवन करने से जो भी जगन्नाथ का जो भी आप अर्चना करें या फिर आराधना करें उनके लिए जो भी दान दें वो सारे फलों का प्राप्त आप सिर्फ उनका प्रसाद खाने से पा सकते हैं। तो हमने तीन माध्यम देखा जिससे जगन्नाथ अपना मर्सी को एक्सटेंड करते हैं, सबसे पहले रथ यात्रा था और दूसरा उनके आंख थे और तीसरा है उनका प्रसाद। और जब मैं आंख का वर्णन कर रहा था तो मैं अभी हम कुछ 1 साल पहले हम गए थे, तो फिर हमारा भाग्य था कि हम एक पंडा से हमने बात वार्तालाप किया, तो वो बोल रहे थे कि जगन्नाथ का जो आंख है ना उसका जो रंग है ना, वी ऑल नो राइट जगन्नाथ आईज आर मेड अप ऑफ 3 कलर्स रेड व्हाइट एंड ब्लैक, बट ही सेड दैट ये जो कलर कॉम्प्लेक्शन है इट कीप्स चेंजिंग, कभी काफी लाल होता है, कभी रेड होता है, कभी व्हाइट होता है, कभी एक्सट्रीम ब्लैक होता है। सो द पंडा वाज टेलिंग मी दैट या सो आई वाज टेलिंग देयर आर 3 वेज बाय व्हिच लॉर्ड एक्सटेंड्स हिज मर्सी, द पहला था रथ यात्रा, द सेकंड वाज हिज आईज एंड द थर्ड वाज हिज प्रसाद एंड द फोर्थ इस एबिलिटी, उनका जो एबिलिटी है टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम एवरीबडी। अभी हम भगवान का अनावसर चल रहा है जिसमें कहा जाता है कि भगवान का तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके टाइम पे शबरा नाम का एक जाति होता है विच इज आउटवर्डली दे आर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स, तो भगवान उनसे भी सेवा लेते हैं। व्हेन ही सिक ही एक्सेप्ट सेम इज एक्सेप्ट सर्विस नॉट फ्रॉम ब्राह्मणास बट फ्रॉम शबरास हु आर आउटवर्डली ट्रीटेड एज अनटचेबल्स हु आर हु डजंट फॉल्स अंडर द वर्णाश्रम सिस्टम। तो भगवान सारे लोगों से अपना सेवा लेते हैं, जैसे मैंने बोल रहा था देर आर 36 डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पंडास और प्रीस्ट हु आर सर्विंग जगन्नाथ डे इन एंड डे आउट, एंड देर हैज बीन नेवर एन अकरेंस वेयर देर हैज बीन क्लैशेस अमंग्स देमसेल्व्स। अभी कभी भी हम सुनने में नहीं आया कि एक जाति ने दूसरे जाति पे
ये आरोप लगाया हो, फिर फाइटिंग हो रहा है, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। तो ये चौथा माध्यम है जिससे भगवान अपना अपना कृपा को प्रकट करते हैं, सभी लोगों से विदाउट एनी डिफरेंस एक्सेप्ट करते हैं। अभी कुछ साल पहले रथ यात्रा में भी ना, आप जाओगे ना तो भगवान रुक जाते हैं और सभी लोग वो रथ पे चढ़ के भगवान को आलिंगन कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर हु इज द पर्सन, उन्होंने वो कुछ भी, वेदर ही हैज टेकन अ पाथ, वेदर ही हैज प्यूरिफाइड हिमसेल्फ, हूएवर ही मे बी अ फॉरिनर, कोई भी धर्म का हो, ही कैन गेट इनटू द रथ एंड ही कैन एम्ब्रेस द लॉर्ड। दैट इज हाउ लॉर्ड जगन्नाथ इज मर्सीफुल, ही एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम एवरीबडी। एंड द फोर्थ हिज इज अबिलिटी वेयर ही एक्सेप्ट, वेयर ही डस, जहां पर वो लीलाएं करते हैं। तो भगवान के तीन तरह के लीला है, जो कि पहला लीला है वो है उनका ईगो को ब्रेक करना, जिसको बोलते हैं गर्भ गंजन, गर्भ गंजन, जिसमें आपका ईगो को ब्रेक करते हैं। और दूसरे तरीके की लीला है जिसको बोलते हैं पतित पावन लीला, और तीसरा है जिसको बोलते हैं भक्त मन रंजन। भक्त मन मतलब भक्तों का हृदय को रंजन पहुंचाते हैं, जो कि भक्त को मनों को सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो हम बाकी के 7 मिनट में इन तीनों तरह के लीलाओं को बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में सुनेंगे, कुछ कुछ लीलाएं। तो पहला तरह का लीला है जो कि है गर्भ गंजन, जिसमें ही ब्रेक्स द फॉल्स ईगो ऑफ हिज डिवोटीज। तो व्हाट ही डज इज, तो पहले एक बार की बात है कि देयर वाज अ रिच मैन, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, वो बहुत ईगो था उसको कि मैंने इतना धन हासिल कर लिया है। तो उसने भगवान के आके सामने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। तो पंडा सोचे, अरे 1 लाख रुपए ठीक है दे दो, हम कई महीनों में भगवान का सेवा करेंगे। तो वो पंडा, वो जगन्नाथ शेठ, वो वेल्दी पर्सन ही से, नहीं, 1 लाख को आप एक ही दिन में खर्च करना है, तभी तो दुनिया को पता चलेगा ना कि एक एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए दिया है एंड इतना धन दौलत, इतने आलिशान तरीके से जगन्नाथ का सेवा हुआ है, जिससे मेरा प्रशंसा बढ़ेगा ना कि जगन्नाथ का। तो ऐसे मानसिक विचार था उसका। बंदा भी हैरान रह गया, अरे 1 लाख रुपए से क्या, कितना, इतना जरूरत नहीं है हमारे जगन्नाथ के लिए, कुछ फल फूल काफी है। तो वो जगन्नाथ को ये पंडा ने ये बताया कि ऐसा एक आया है, ये काफी, ही इज वेरी इगोइस्टिक अबाउट हिज वेल्थ, तो इसको लिए क्या करे। तो फिर जगन्नाथ ने बताया कि वो जाके वो बिजनेसमैन को बताओ कि मुझे एक पान का पत्ता, बीटल नट लीफ मुझे अर्पण करे। बट बीटल नट के में वो जो पा उसमें जो वो लगाते हैं ना, लाइमस्टोन का जो कोटिंग करते हैं ना, दैट शुड बी मेड अप ऑफ गजस्टोन, गजस्टोन वो होता है जो कि लाखों में से एक हाथियों के सर में एक गजा का एक स्टोन होता है, विच इज द मोस्ट प्रीशियस ज्वेल इन दिस एंटायर क्रिएशन। तो उसका पेस्ट लगा है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट वो बिजनेसमैन ने सुना, ही फेल्ट, वो ही अंडरस्टूड, अच्छा वो हु इज जगन्नाथ। ही इमिडिएटली वो उनके सर में जो पगड़ी था उसको जगन्नाथ के पैर में रखा, बोला कि जगन्नाथ तुम ही, यू आर द पोसेसर ऑफ ऑल द वेल्थ, तुम ही लक्ष्मीपति हो, तुम्हें मैं क्या वेल्थ दूंगा, ये जो 1 लाख का आप रख लो, जैसा आपको सेवा करना चाहते हैं पंडा करें, ऐसे बोल के वो चले गए। तो देखो कैसे भगवान ने वो अमीर आदमी का फॉल्स ईगो को नाश किया, है ना। तो ये एक बार की बात है कि एक उदयनाचार्य नाम का एक स्कॉलर था, उदयनाचार्य नाम का एक स्कॉलर था, स्कॉलर मतलब पंडित था, जो कि निम्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया था। ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट स्कॉलरशिप। काफी बार होता है ना कि हमारे हमारे बीच में भी दोस्त लोग होते हैं who get into IIT Bombay या फिर prestigious institutes they get into, and then they have they are very proud of their achievement of getting into a such and such college. Similarly, there was a panda named of Udayanacharya. तो he somehow came to know about in a scripture, उन्होंने पढ़ा कि सिर्फ एक मात्र एक बार हम एक पल के लिए हम जगन्नाथ का दर्शन कर लेते हैं तो हमारा मोक्ष प्रदान हो जाता है, भगवान जगन्नाथ हमारे लिए मोक्ष प्रदान करते थे। तो ये जब पढ़ा तो ये पंडा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तो फिर वो दर्शन करने के लिए जब जगन्नाथ आया तो जगन्नाथ को उसके हृदय में जो जो शंका था, जो मतलब जो भाव से आए, तो उनको पता चल गया। तो एक दिन के लिए जगन्नाथ ने किसी को दर्शन नहीं दिया और लॉक करके रखे। तो फिर जब अगले दिन जब दर्शन खुलना रहा, तो
तो फिर जगन्नाथ पंडा के माध्यम से सारे पब्लिक को बताया कि जो उदयन आचार्य है, तो ये उदयन आचार्य जब तक इधर रहेगा तब तक मैं किसी को दर्शन नहीं। तो जब उदयन आचार्य ने इसको सुना तो वो हैरान रह गए कि कैसे ये जगन्नाथ को पता चला और कैसे ये लीला कर रहे हैं कि मेरे फॉल्स ईगो को हटाने के लिए ये ऐसे लीला की। तो जैसे ही सुने वो उनका हृदय पिघल गया और सारा अपना बुद्धि और सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन था उसको उन्होंने आगे चल के सिर्फ भगवान जगन्नाथ के गुणगान में ही उन्होंने यूज किया। तो हमने दो जो लीलाएं सुने, जैसे वो हमारे फॉल्स ईगो को हटाते हैं, तो आगे हम सुन देखते हैं कैसे भगवान पतित पावन है। तो भगवान के पतित पावन लीला, इट्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोले तो कोई कोई लिमिटेशन ही नहीं। आज भी भगवान के पतित पावन लीला करते ही रहते हैं। तो अभी मैं जगन्नाथपुरी में जब लास्ट ईयर गया था तब एक पंडा भी अपने बता रहे थे कैसे जगन्नाथ ने उनके डॉटर के लिए डाउरी अरेंज किया। तो ऐसे लीला है। तो एक बार एक रामचंद्र देव नाम का एक राजा था। तो रामचंद्र देव को एक मुगल मुस्लिम राजा ने हरा दिया था। तो पहले ऐसा था कि इफ यू नो इफ यू आर डिफीटेड बाय अ किंग यू हैव टू बिकम द स्लेव ऑफ द किंग हु हैज कॉन्कर्ड यू। तो रामचंद्र देव को इस मुसलमान का स्लेव को क्या बोलते हैं, स्लेव बनना था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो जो मुसलमान था ही वाज वेरी कनिंग। तो ही सेड कि मैं इसको स्लेव बनाने से पहले मैं बोलती इसका मैं रिलेशनशिप बना लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम स्लेव आई विल गिव माय सिस्टर टू हिम टू मैरी। तो उनका नाम था रजिया, रजिया को शादी करवा दिया वो राजा को। तो राजा सोचे कि ठीक है, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो ये पूरा मंदिर को तबाही मचा देगा, सारे ब्राह्मणों को मार देगा, तो ये जगन्नाथ का गुणगान तो भूलिए, जगन्नाथ स्वयं नहीं रहे, तो मैं अपने लिए त्याग कर देता हूँ। क्योंकि जब मैं एक मुसलमान स्त्री से शादी करूंगा तो मैं आई वॉन्ट बी एलिजिबल टू गेट इन टू द टेम्पल, तो मैं आगे जाके कभी दर्शन नहीं ले पाऊंगा, डिस्पाइट नोइंग दैट ही मैरिड रसिया का। तो जब शादी हो गया तो उन्होंने पूरा सोसाइटी ने उनको बाहर कर दिया राजा को। वो राजा को बाहर करने के बाद तो राजा भी बहुत दुखी थे कि भले ही मैं राजा हूँ, मैं भले ही मेरे को इतना धन दौलत है, तो क्या हुआ मैं जगन्नाथ का दर्शन नहीं देता। तो हर दिन विदाउट फेल ही यूज्ड टू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ। तो वहां पर एक पतित पावन जगन्नाथ है, जो कि जो लोग ना काफी लोग जगन्नाथ के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तो उन लोग के लिए दर्शन देने के लिए एक पतित पावन जगन्नाथ बाहर है, जिसके सामने वो जो रामचंद्र देव हमेशा प्रार्थना कर रहे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, बोलता हे जगन्नाथ मेरे आंख के सामने आप दर्शन दीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करते। तो जगन्नाथ ये प्रार्थना को सुन के अपने गर्भगृह से भागते हुए दौड़ते हुए आते थे और अपने दर्शन देते थे रामचंद्र देव को, और वो फिर से दर्शन देने के बाद अंदर जाते थे। तो रामचंद्र देव को ये हर दिन प्रतिदिन ऐसे दर्शन देते। तो ये है, ऐसे पतित पावन है हमारे जगन्नाथ। और आखिरी जो टाइप ऑफ पास्ट टाइम है जिसको बोलते हैं भक्त मन रंजन है, तो जो कि भक्तों के मन को रंजन प्रदान करने वाले लीला है। तो इसका भी कोई ऐसे लीला भी भगवान बहुत सारे किए हैं। तो समय की कमी के वजह से मैं छोटा सा लीला 1 मिनट में बताता हूँ। एक दास्य भंवरी नाम का एक आदमी था, जो कि जिसको भी जो भगवान के अंदर जाके दर्शन नहीं ले पाता था, तो वो भगवान की आंखों से बहुत अट्रैक्टेड था। तो एक बार क्या हुआ, वो भगवान के आंख को दर्शन लिया, उसके वो आंख का दर्शन को अपने हृदय में स्टोर कर लिया और घर गया। तो उनके वाइफ ने ना उनको एक बड़े से गोल कटोरे में राइस को रखा और दाल रखा और बीचों बीच पालक रखा। तो जैसे ही दासी भौरी ने इसको देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत उसको ना एक राइस या फिर पालक के रूप में नहीं देखा, उन्होंने जगन्नाथ के आंख के रूप में देखा और उनके आंखों से आंसू आते थे। तो ऐसे था हमारे जगन्नाथ के लीला है। तो अभी हम विराम देंगे। तो बिफोर वी स्टॉप एक छोटा सा पास्ट टाइम मैं बताता हूँ लास्ट 30 सेकेंड्स में। तो जगन्नाथ के पास ना एक एक पंडा था, जो कि हर दिन जगन्नाथ मंदिर में जाता था फॉर बिजनेस सेक। हर दिन भगवान को पानी देता था और उससे वो टैक्स कलेक्ट करता था, बस पैसा कलेक्ट करता था। तो
तो ये वो पानी देता था, वो बाहर आता था, हर दिन जाता था मंदिर के अंदर, बट कभी भी दर्शन नहीं लेता था जगन्नाथ का। तो ऐसा, तो अभी वो तो क्या, तो बाकी जो पंडा थे, भक्त थे, वो बोलते थे अरे अभी भगवान के दर्शन, अभी भगवान का, अभी तेरे हर दिन तो आते हो, भगवान का एक बार तो दर्शन ले लो तो आपका कभी उद्धार हो जाएगा, हर दिन तो आप आ ही रहे हो, भगवान कितने निकट रहते ही हो तुम। तो वो नहीं लेता था, तो वो बोलता था अभी तो बहुत सारा काल है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, मैं कभी ना कभी तो ले ही लूंगा। ही वॉज वेरी कैजुअल इन हिज रिलेशनशिप विद जगन्नाथ। तो एक बात क्या हुआ, उनका काल आ गया, टाइम केम एंड ही डाइड। ही डिडंट हैव द फॉर्चून ऑफ टेकिंग जगन्नाथ एनी टाइम, ऑल्दो ही वाज सो क्लोज टू जगन्नाथ, एवरी डे यूज्ड टू गेट इनटू द टेंपल, सो सी हिज मिसफॉर्चून। सो दैट इज हाउ मेनी, देयर आर मेनी पीपल डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोज टू जगन्नाथ, दे फेल टू रियलाइज द ग्लोरीज ऑफ जगन्नाथ एंड दे फेल टू टेक यू नो द मर्सी ऑफ जगन्नाथ हाउ ही इज एक्सटेंडिंग। श्रीमद् भागवत में ऐसा बोला गया, आयुर हरति वैपुंसा उद्यनस्तम च यनाशौ तस्यार्थे क्षणों नीत उत्तम श्लोक वार्तया। ऐसा कहा गया है कि सूरज के ढलने और उगने से हमारे हमारे समय बीतता जाता है, हमारे जीवन जाता रहता है, व्यर्थ होते रहता है, बट वही आदमी जो कि भगवान का गुणगान और लीलाओं का स्मरण और करता रहता है, उसी हु इज द ओनली वन हु यू नो परफेक्टली यूटिलाइजेस दिस टाइम। हम लोग स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, वी हैव एन गोल ऑफ क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन और सो कॉल्ड एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट अवर ओरिजिनल एम ऑल्सो। सो विद दिस आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू योगेश प्रजापति फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट जगन्नाथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो हम लोग वेंकटेशन सर का धन्यवाद करना चाहेंगे फॉर द वंडरफुल सेशन दैट ही गेव अस टुडे। एंड इसके साथ वी एंड द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा। ऑल ऑफ यू कैन स्पीक हरे कृष्णा इन केस विल बी एबल टू। हरे कृष्णा। 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 थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर।